हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार और आज जो हम लोग करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीपी यांत्रिक के लिए सेक्शन वन में जो भी साइंस के क्वेश्चंस आते हैं हम लोग पूरी टॉपिक वाइज पढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल आज करने वाले हम लोग साइंस का क्लास नंबर 3, ठीक है। इसके पहले दो क्लासेस कर लिया हमने जिसमें ये चैप्टर पढ़ा था नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। तो नेचर ऑफ मैटर का मतलब होता है पदार्थ की प्रकृति। तो पदार्थ की प्रकृति के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पदार्थ की अवस्थाएँ कितनी होती हैं, ठीक है, और उन अवस्थाओं में जो प्रकार होती हैं उनके बारे में, जैसे पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है और उनकी जो है कैटेगरी, सब कैटेगरी, ये सभी चीज़ें हमने पढ़ ली नेचर ऑफ मैटर्स के अंदर। तो चलो आज उन्हीं का हम MCQs करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे, 15 क्वेश्चन रहेंगे इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये चैप्टर छोटा है तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी कम ही रहेंगे, ठीक है। जो चैप्टर बड़ा रहेगा उसे क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, और 50-100 क्वेश्चन पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। कम क्वेश्चन पढ़ो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। फिलहाल सभी क्लासेस की जो टाइमिंग आप एक बार स्क्रीन पे देख लो, आपको सभी क्लासेस की टाइमिंग जो दिख रही है, जीके की क्लास जो है गाइज आपको डेली 6 बजे सुबह में हो जाती है, ठीक है। इंग्लिश की क्लास आपको 7 बजे सुबह में होती है, वो दूसरे चैनल पे ट्रिकी इंग्लिश, जो अपना चैनल है, सेकंड चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा इसका। तो ट्रिकी इंग्लिश को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैथ जो है आपको 8 बजे डेली होगा A to Z स्टडी पे ही। रीजनिंग आपको 10 बजे होता है और साइंस आपको 11:30 बजे इसी टाइम पर मिलेगा, ठीक है। चलो फिलहाल यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये रही टाइमिंग, अब इस टाइमिंग को जो है स्क्रीनशॉट ले लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तो इसकी PDF अगर आपको मिल जाएगी, जब भी टॉपिक खत्म होता है जो कंप्लीट हो जाता है उसकी PDF हम लोग टेलीग्राम पर अपलोड कर देते हैं। चलो अपना फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। हम लोगों ने मेनली पढ़ा था कि पदार्थ को जो है 2 भागों में बांटा गया, कौन कौन वर्गीकरण जो किया गया, भौतिकी वर्गीकरण, एक रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। भौतिकी के अंदर पढ़ा था हम लोगों ने फिजिकल और एक केमिकल, कि भौतिकी के अंदर मेनली 3 पार्ट में बांटा गया है इसको, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के रूप में। अब वही हमने ये 3 स्टेट्स पढ़े, अवस्था पढ़े, ठीक है, लेकिन इनके अलावा हमने नोट में पढ़ा था एक चौथी नंबर पे हम लोग कहते हैं इसको प्लाज्मा, ठीक है। चौथे नंबर जो अवस्था होती है उसको प्लाज्मा कहते हैं, और 5वीं अवस्था होती है जो कॉमेंट सेक्शन में बताना आप, ठीक है। चलो तो चलो याद दिला देता हूँ मैं, 5वीं अवस्था को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं, ठीक है। तो 4थी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। व्हाट इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर, इज कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है। चलो बाकी तो आपको 3 याद ही होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से द्रव के पास क्या नहीं होता है, जो लिक्विड के पास क्या नहीं होता है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है हमको। निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक है, निश्चित शेप यहाँ पे लिखना होगा, साइज नहीं, ठीक है ना। तो निश्चित उसके पास शेप नहीं होता है, कि निश्चित आयतन नहीं होता है, कि दोनों नहीं होता है, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से बताओ, इनमें से द्रव के पास क्या नहीं होता है, ये क्वेश्चन पूछा, ये नहीं पूछा कि द्रव के पास क्या होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था पूरे चैप्टर के अंदर, क्या पढ़ा था भाई, जो 3 अवस्थाएँ हैं जिसमें से एक होता है सॉलिड, ठीक है, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस, इसके पास क्या होता है, एक शेप भी होता है, फिक्स शेप भी होता है और इसका वॉल्यूम भी होता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन गाइज यहाँ पे लिक्विड के पास अपना फिक्स शेप नहीं होता है, इसके पास क्या होता है, सिर्फ इसका वॉल्यूम होता है। गैस के पास कुछ भी नहीं होता, ना तो इसका फिक्स शेप होता है, ना तो इसका वॉल्यूम होता है। तो क्वेश्चन पूछा क्या है कि क्या नहीं होता है, तो शेप नहीं होता है इसका, जो है फिक्स्ड शेप नहीं होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रीज़न हमने कल ही पढ़ा था ना, कि अगर एक गिलास पानी को अगर किसी बाकेट के बाल्टी के अंदर डाल देते हैं तो बाल्टी के अंदर, तो वो बाल्टी का रूप ले लेगा। अगर उसको किसी और बर्तन में डाल देते तो उस बर्तन जैसा दिखेगा। तो यही कहने का मतलब था कि द्रव या लिक्विड के पास किसी भी टाइप का उसका फिक्स्ड शेप नहीं होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कमरे के ताप पर पाए जाने वाला एकमात्र धातु कौन सा है, व्हाट इज द ओनली मेटल फाउंड एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। चलो कमरे पर पाए जाने वाला नहीं, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना द्रव अवस्था में पाई जाने वाला। अच्छा चलो मैं इसको इम्प्रूव कर ही देता हूँ, तब तक के लिए आप आंसर खोजो इसका। चलो अब आपको क्वेश्चन ये क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि लिखा हुआ है इसके अंदर कि कमरे के ताप पर पाए जाने वाला द्रव अवस्था में, ठीक है, कमरे पर पाए जाने वाले या फिर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले, ठीक है, एकमात्र धातु कौन सा है। तो वो कौन सा हो जाएगा भाई, कमरे के ताप पर कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो मैंने आपको पहले बताया था वो कौन सा है, पारा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके अब आगे क्वेश्चन क्या है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाला एकमात्र अधातु, नॉन मेटल के बारे में बात की जा रही है। मेटल आपका तो पारा हो गया, जिसको हम लोग HG से उसका रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पाए जाने वाला नॉन मेटल के बारे में जब पूछेगा तो वो कौन सा हो जाएगा, ब्रोमीन। तो ये एक से मैंने आपको अपवाद में लिखवाया था, एक्सेप्शनल लिखवाया था और नोट करके लिखवाया था, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो क्या है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो ये भी मैंने पढ़ाया था कि देखो सोडियम एक टाइप का क्या है, मेटल है, और ये एक ऐसा मेटल है जिसको सिर्फ इसी को चाकू से आसानी से हम लोग काट सकते हैं, ठीक है, जिसको Na से लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न देखो यहाँ पे दो चीज़ याद करने वाली है, पारा जो है लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ठीक है, धातु होते हुए भी, और सोडियम जो है ये धातु होते हुए भी इसको चाकू से हम लोग काट सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, निम्न में से किस पदार्थ के अणुओं में सबसे अधिक आकर्षण बल होता है, ठीक है, तो मतलब द मॉलिकुलस ऑफ द ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैव द ग्रेटेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा वो आकर्षण बल रहेगा वो एक दूसरे से ज़्यादा चिपका हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाली बात है, तो मैंने इसको जिक्र किया था आपको जब हम लोग पढ़ रहे थे सॉलिड के बारे में, तो क्या मैंने कहा था, सॉलिड काफ़ी क्या होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है, कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं ये, क्योंकि इनके अंदर जो है ना, इनके मॉलिकुलर्स के अंदर क्या होता है, जो अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, आकर्षण बल जो होता है, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ताकि एक दूसरे उससे वो चिपके रहते हैं और क्या होते हैं, कठोर होते हैं, तो ठोस इसका ज़्यादा हो जाएगा। अगर मान लो ठोस ऑप्शन में ही ना रहे तो हमको द्रव और गैस में खोजना था, तो द्रव आंसर करते, लिक्विड को आंसर करते, अगर ठोस है तो हमको ठोस आंसर करना होगा। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, H2O कैसा पदार्थ है, ठीक है, तत्व है कि यौगिक है कि मिश्रण है, H2O, ठीक है, ये जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल, ठीक है, तो H2O कैसा है। तो हम लोग जब कंपाउंड पढ़ रहे थे तो कंपाउंड का डेफिनेशन क्या पढ़ रहे थे, कि दो ऐसी पदार्थ जो एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाए, तो हम लोग ने पढ़ा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 के हिसाब में अगर मिलाया जाए तो जल बनता है, अगर हम लोग हाइड्रोजन का 4 हिस्सा और ऑक्सीजन का 1 हिस्सा मिलाए तो वो जल नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये फिक्स रेशियो में मिलाया जा रहा है 2:1 में, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके का कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। चलो द्रव एक डैश है, लिक्विड इज अ डैश, मतलब क्या है, ये शुद्ध मिश्रण है, ठीक है, या फिर केवल यौगिक है, या फिर क्या हो जाएगा, केवल तत्वों का मिश्रण है। देखो क्वेश्चन यहाँ पे एक्चुअली गलती है, मैं इसको इम्प्रूव करके आपको बताता हूँ, यहाँ पे द्रव के बारे में नहीं बात की जा रही थी, तो क्वेश्चन आपका ऐसा था यहाँ पे कि हवा एक डैश है, ठीक है, द्रव नहीं, द्रव क्या है, द्रव तो खुद अपने आप में एक द्रव है, ठीक है, लिक्विड है, तो गाइस यहाँ पे क्या था, हवा के बारे में पूछा जा रहा है कि हवा एक प्रकार का क्या है, ठीक है, तो हवा कैसा मिश्रण है ये पूछा जा रहा है, ये शुद्ध मिश्रण है, या फिर केवल यौगिक का मिश्रण है, या फिर केवल तत्वों का मिश्रण है, ठीक है, या फिर तत्वों और यौगिक दोनों का मिश्रण है। तो गाइज हवा जो है हम लोग इसको शुद्ध मिश्रण नहीं कह सकते हैं, ठीक है, तो हवा एक प्रकार का तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण है, ठीक है, तब जाके वो क्या बन जाता है, ये लास्ट में मिश्रण बन जाता है। कहने का मतलब देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है हवाइन के अंदर, हवा के अंदर, कि वो एक फिक्स रेशियो में भी हो सकती हैं, ठीक है, और एक कुछ एलिमेंट्स भी हो सकती हैं, जैसे हाइड्रोजन भी हवा के अंदर है, ठीक है, वहाँ ऑक्सीजन भी है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो फिक्स रेशियो में मिली हुई होंगी, ठीक है ना, तो ये रीज़न है कि ये तत्व और यौगिक का क्या है, मिश्रण बन जाता है, तो ये शुद्ध मिश्रण कहना गलत हो जाएगा, इसको तत्व और यौगिक का मिश्रण कहना, मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स कहना, ठीक है, हवा को। आगे क्वेश्चन है, जल में दूध का मिश्रण किस प्रकार का मिश्रण है, ठीक है, तो जल में दूध को मिलाएंगे तो बताओ क्या बनेगा वो, तो हमको तो दूध ही दिखेगा, ठीक है, जल में दूध मिलाया जाए तो जल, या फिर दूध में जल मिला दिया जाए, बात तो बराबर है, क्योंकि हम तो देखे देखे मिलाएंगे ना, कुछ भी मिला दे, देखो जल में दूध मिलाओ चाहे दूध में जल बनाओ, तो वो किस टाइप का मिश्रण बनेगा, ठीक है, समांग मिश्रण बनेगा या फिर असमांग बनेगा या फिर दोनों, होमोजीनस बनेगा कि या फिर हेट्रोजीनस बनेगा, तो ऑब्वियस है कि जब हम जल में दूध मिलाएंगे तो जितना हिस्सा ऊपर के पार्ट में जितना दूध हमको दिखेगा या फिर जितना जल दिखेगा उतना ही हमको नीचे भी दिखेगा, ऐसा थोड़ी है कि दूध ऊपर रह जाएगा पानी नीचे हो जाएगा, ऐसा नहीं ना, तो बराबर मात्रा में ऊपर से नीचे मिल जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है, जो बराबर मात्रा में चारों तरफ आपको सेम मतलब क्वांटिटी में दिखे, ठीक है, तो उसको होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। आगे सोडियम एक प्रकार का है, वो क्या है, धातु है कि अधातु है, मेटल है कि नॉन मेटल है, या फिर ज्ञात नहीं किया गया है इसको अभी तक, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, तो ऑब्वियस है कि सोडियम एक प्रकार का मेटल है जिसको चाकू से हम लोग काटे जा सकता है, ठीक है। तो चलो पारा एक प्रकार का डैश है, तो पारा क्या है, तो ये भी एक तरीके का धातु है जो कि कमरे के टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो मैंने कल ही पढ़ाया था कि नमक का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड बोलते हैं जिसको NaCl, ठीक है,
तो याद रखना एनएससीएल ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। आगे क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, मिश्रण में कितने पर मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, एक प्रकार, दो प्रकार, तीन या चार प्रकार के। तो गाइज मिक्सचर जब हम लोग पढ़ रहे थे, लास्ट टॉपिक था हमारा, ठीक है, तो हमने इसमें पढ़ा था कि मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक समांग, ठीक है, और एक असमांग या फिर विसमांग कह लो, ठीक है, एक होमोजीनियस और एक क्या होता है हेट्रोजीनियस, ठीक है ना। तो यही होता है मिश्रण दो प्रकार का। तो आई होप कि आपको रिकॉल हो गया होगा। तो देखो दो प्रकार का होता है। आगे हो रहा है सीसा एक प्रकार का डैश है, ठीक है, लेड क्या है, ये किस प्रकार का है बताओ, धातु है कि अधातु है कि दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो अधातु और धातु होने का देखो फैक्टर क्या था वहाँ पे, अगर धातु होता तो उसको हम लोग पीट पीट के एक लंबा चादर बना सकते थे, लंबा खींच सकते थे, या फिर पिटने के बाद उसमें से टन टन की आवाज़ आएगी, वो पीटने पे टूटेगा नहीं जल्दी। लेकिन शीशा में ऐसा कुछ नहीं है, वो अधातु वाला गुण रखा है, अगर उसको हम लोग कहीं से गिरा दें तो फूट जाएगा। शीशा को पीट पीट के एक लंबा हम लोग सीट में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए शीशा को नॉन मेटल मनाया जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी क्या होता है, आसानी से टूट सकता है वो। लास्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की पाँचवीं अवस्था क्या है। तो हमने चौथी अवस्था पढ़ा था क्या, पहली ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस, और चौथी क्या, प्लाज्मा, और पांचवी क्या भाई, बोस आइंस्टीन कंसेंट, ठीक है। तो ये जो है आपकी पदार्थ की पांचवी अवस्था है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, और यही इस टॉपिक से बन रहे थे, ठीक है। और लास्ट मैंने आंसर की दे दिया, पीडीएफ में आपको आंसर की भी मिल जाएगा। सो यहीं पर हम लोग क्लास को ख़त्म करते हैं, और फिर से एक बार गाइज ध्यान देना कि जो भी चीज़ें हैं सभी इस पीडीएफ के अंदर मैं आपको दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना होगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और साथ में ही आपको ट्रिकी इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब करना होगा इंग्लिश पढ़ने के लिए। बिल्कुल यहाँ पे जाना, इंग्लिश को हम लोग बिल्कुल भी बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ताकि आपकी एग्जाम जो है बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाए। तो इस चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं हमको, तो यूनिवर्स जो अपना नया चैप्टर होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक बाय बाय, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो के सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में, जो भी अपनी राय है, प्रॉब्लम है, शेयर कर सकते हो।